अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पेशावरी कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए चिकन ली है 1 किलो और 1 किलो ही टमाटर लिए हैं। इनको इस तरह चंक्स में काट लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट लिया है और आधा कप ऑयल या घी। यहाँ हमने आधा कप देसी घी गर्म कर लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं या देसी घी में। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही चिकन डाल देंगे और नमक डालकर इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। दस मिनट तक चिकन को अदरक लहसुन के साथ भून लिया है। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डालकर मिक्स करेंगे। और इनको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि चिकन और टमाटर दोनों गल जाएं। 10 मिनट तक चिकन और टमाटर को पका लिया है, टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब फ्लेम को तेज़ करेंगे और टमाटरों के पानी को खुश्क कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटी अदरक, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए और हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे। सब चीज़ें मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट तक दम पे रखेंगे और सर्व करेंगे। पेशावरी कढ़ाई तैयार है, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी पेशावरी कढ़ाई कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।